तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अगर आजकल की मनुष्य की औसतन जीवन काल की बात किया जाए तो उसकी मैक्सिमम एज 65 से 70 वर्ष तक हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग अपने दादा और परदादा के समय की लोगों का बात करें तो उस समय के लोगों का एवरेज लाइफ स्पैन कम से कम 80 से 90 वर्ष तक होती थी। वैसे जीने वाले तो बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ये सारी चीजें मनुष्य की खान पान पर डिपेंड करता है। वैसे भी पहले के लोगों का खान पान में प्योर नेचुरल न्यूट्रिशन था, परंतु अगर मैं आज की बात करें तो मनुष्य की हर खाद्य पदार्थ वाली चीजों में कुछ न कुछ मिलावटी जरूर होता है। तरह तरह की केमिकल्स मिलाकर उसे फैक्ट्री में हाइब्रिड प्रोसेस से प्रोड्यूस की जाती है। और आजकल के बच्चे भी नेचुरल फूड को इग्नोर करके फास्ट फूड और केमिकल फीड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन आज के जमाने में आप चाहे जितना भी प्रोटीन का डब्बा खा लो, जीना तो बस 60 वर्ष तक ही है। वैसे आज मैं आप लोगों को दुनिया के 10 ऐसे ओल्डेस्ट लिविंग मैन के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मार्च 2020 तक सबसे लंबे समय से जीवित हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आप मेरे साथ अपडेट रहो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौतम और आप देख रहे हो फैक्ट साइन। तो शुरू करते हैं। 10वां नंबर पर है हाइपोलिट कोडू। इनका जन्म 16 अगस्त 1909 ईस्वी को हुआ था और ये अभी तक अपनी लाइफ को सुरक्षित तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और अभी फिलहाल इनकी करेंट एज मार्च 2020 के अनुसार 110 वर्ष और 208 दिन हुए हैं। इनका जन्म फ्रांस में मार्टिनिक स्टेट के ग्रोस मोनरे नामक शहर में हुआ था, लेकिन अभी ये फिलहाल फ्रांस में ही मार्टिनिक स्टेट में लेमेंटिन शहर के अपने घरों में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वैसे अपनी पेशा से यह एग्रीकल्चरल वर्कर, मैकेनिक्स और डिस्टिलर भी रह चुके हैं। और यह अभी इतने बुजुर्ग हो चुके हैं कि अपने रोजमर्रा की कोई भी काम अपने खुद से नहीं कर सकते। वैसे भी इस एज में लोगों को दूसरों की सहारा की जरूरत पड़ती है और हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जरूरतमंद लोगों को हेल्प करें, चाहे वो रिश्ता में हमसे बड़ा हो, छोटा हो या किसी भी हाल में हो। वैसे हाइपोलिट कोडू इतने बूढ़े हो चुके हैं कि फ्रांस के लोगों के द्वारा उनकी 110वीं जन्मदिन पर डीन ऑफ फ्रांस का नाम दिया गया है और तब से ये डीन ऑफ फ्रांस के नाम से जाना जाने लगे। नंबर 9 पर है इसाकू टोमो। इनका जन्म 15 अगस्त 1909 ईस्वी में हुआ था और इसाकू टोमो अभी भी सही सलामत है, मतलब कि फिलहाल इनकी करेंट एज मार्च 2020 के अनुसार 110 वर्ष और 209 दिन हुए हैं। वैसे इनका जन्म जापान में हुआ था और ये अभी भी अपनी होम टाउन जापान में स्थित एची प्रीफेक्चर स्टेट के ओकाजाकी शहर में अपनी बची हुई जिंदगी गुजार रहे हैं। वैसे इनका अपनी प्रीवियस ऑक्यूपेशन अनस्पेसिफाइड है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये ऑलराउंडर होंगे, मतलब कि हर प्रकार की काम करने में सक्षम है, इसीलिए मौसम और टाइम के अनुसार अपना ऑक्यूपेशन भी बदलते रहते होंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये अपने घरों में आराम से रह रहे हैं। इसाकू टोमो जी का एज द जेरोंटोलॉजी रिसर्चर ग्रुप के अनुसार अनवेरीफाइड है, फिर भी इनकी एज इस गर्मी में 111 वर्ष हो चुका है। 23 फरवरी 2020 को चितेत्सु वाटनेवल की मौत के बाद इसाकू टोमो अभी जापान का सबसे पुराना जीवित आदमी बन चुके हैं। नंबर 8 पर है जोकिम इलाज। इनका जन्म 26 जुलाई 1909 ईस्वी को हुआ था और ये अभी भी सुरक्षित हैं, मतलब कि इनका अभी करेंट एज मार्च 2020 के अनुसार 110 वर्ष और 229 दिन हुए हैं। इलाज का जन्म स्पेन में स्थित कैटोलोनिया स्टेट के ब्लेन शहर में हुआ था और ये अभी भी अपने जन्म स्थान पे ही सही सलामत से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वैसे जोकिम इलाज व्यावसायिक रूप से फिशरमैन, मैकेनिक और सुपरमार्केट का मैनेजर भी रह चुके हैं और इन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में कहा है कि इन्हें लंबे समय तक जीवित रहने का सिर्फ एक ही सीक्रेट है, मतलब कि जो आदमी अपने डाइट को बैलेंस रखता हो और खाना के रूप में जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स यूज करता हो तो वो लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं। नंबर 7 पर है मार्सेल मेज। इनकी जन्म 12 जुलाई 1909 ईस्वी में हुआ था और ये अभी भी सुरक्षित तरीके से जीवित हैं, मतलब कि इनकी करेंट एज मार्च 2020 के अनुसार 110 वर्ष और 243 दिन हुए हैं। इनका जन्म फ्रांस में स्थित इजीरे स्टेट के सेंट जूलियन डे हम्स शहर में हुआ था, लेकिन अभी ये फिलहाल फ्रांस में ही स्थित रोने स्टेट के सेंट रोमेनिंगा शहर में रह रहे हैं और ये मुख्य रूप से पैरामेडिकल स्टाफ हैं। वैसे मार्सेल मेज को फ्रांस का सबसे पुराना जीवित व्यक्ति कहा जाता है। ये अभी भी स्वस्थ एवं न्यूनतम सहायता के साथ अपने घरों में रह रहे हैं। बस ये कहते हैं कि इनको सुनने में और देखने में थोड़ा तकलीफ होती है। नंबर 6 पर है जूल्स थेवाल्ड। इनका जन्म 13 अप्रैल 1909 ईस्वी में हुआ था और ये अभी भी बिल्कुल सुरक्षित तरीके से स्वस्थ हैं, मतलब कि अभी इनकी करेंट एज मार्च 2020 के अनुसार 110 वर्ष और 333 दिन हुए हैं। वैसे इनका जन्म फ्रांस में स्थित मार्टिनिक स्टेट के ली रोवर्ट शहर में हुआ था और अभी ये फिलहाल अपना होम टाउन फ्रांस में ही मार्टिनिक स्टेट के ला पॉइंट डेस नेग्रेस शहर में रह रहे हैं और ये मुख्यतः व्यावसायिक रूप से फिशरमैन है। नंबर 5 पर है मुआसिर नैंस बोरोसो। इनका जन्म 31 मार्च 1909 ईस्वी में हुआ था और ये अभी भी सही सलामत है, मतलब कि इनकी करेंट एज मार्च 2020 के अनुसार 110 वर्ष और 346 दिन हुए हैं। और नाइंस बोरोसो जी का जन्म ब्राजील के गोनहाइस शहर में हुआ था और ये अभी भी ब्राजील के मिनास जेराज बेलो हॉरिजोंटे शहर में स्थित अपने घरों में रह रहे हैं, जो कि एक प्रोफेशनल माइनर है, मतलब कि वो एक माइनिंग का काम करते हैं। और इन्हें इतने लंबे
समय तक जीवित होने के कारण इनकी खुद की फैमिली मेंबर भी इनके सामने बूढ़े हो चुके हैं। मतलब कि अभी इनकी वाइफ की एज लगभग 78 वर्ष हुए हैं, जिनसे इनके 6 बच्चे भी हैं और उन सभी बच्चे का एज लगभग 60 से 65 वर्ष के आसपास है। नंबर 4 पर है सनीनो डेला फ्यूंटे। इनका जन्म 8 फरवरी 1909 ईस्वी में हुआ था और ये अभी भी सही सलामत है। मतलब कि इनकी करेंट एज मार्च 2020 के अनुसार 111 वर्ष और 32 दिन हुए हैं। वैसे सनीनो जी का जन्म स्पेन के प्यूंटो कास्ट्रो शहर में हुआ था और अभी भी ये फिलहाल अपने होम टाउन स्पेन के लियोन शहर में रह रहे हैं और ये मुख्यतः व्यावसायिक रूप से शूमेकर और सॉकर प्लेयर भी हैं, लेकिन अभी ये फिलहाल स्पेन के सबसे ओल्डेस्ट लिविंग मैन माने जाते हैं। और जब इन्होंने अपना 110वां जन्मदिन सेलिब्रेट किए थे तो उस समय इनका अपना बेटा को 14 पोता पोती थे और इन 14 बच्चों को भी कुल मिलाकर 22 बच्चे भी थे। नंबर 3 पर है मोडेस्टो लोपेज बाटिस्टा। इनका जन्म 17 जनवरी 1909 ईस्वी में हुआ था और ये अभी फिलहाल सही सलामत है। मतलब कि अभी इनकी करेंट एज मार्च 2020 के अनुसार 111 वर्ष और 54 दिन हुए हैं। वैसे इनका जन्म मैक्सिको में ओग्जाका स्टेट के सान जुआन मिक्स्ड पेक शहर में हुआ था, लेकिन अभी ये यूएसए में स्थित कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड शहर में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। वैसे ये पेशे से फॉर्म वर्कर हैं और इनका भी 5 बच्चे, 26 ग्रैंड चिल्ड्रेन, 32 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन एवं एक ग्रेट 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 ग्रैंडसन है। नंबर 2 पर है डुमिट्रू कॉमनस्कू। वैसे इनका जन्म 8 नवंबर 1908 ईस्वी को हुआ था और ये अभी फिलहाल बिल्कुल सुरक्षित है। मतलब कि इनका करेंट एज मार्च 2020 के अनुसार 111 वर्ष और 124 दिन हुए हैं। इनका जन्म रोमानिया में स्थित पैराहाइव स्टेट के ड्रैगनीसा शहर में हुआ था, लेकिन अभी ये फिलहाल रोमानिया में ही स्थित बुआरेस्ट शहर में रह रहे हैं, जो कि पेशा से एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर है और साथ ही प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी। डुमिट्रू कॉमनस्कू पूरे विश्व में सेकेंड ओल्डेस्ट लिविंग मैन है। बस इन्हीं कारण से रोमानिया के लोगों ने इन्हें अंकल इन रोमानिया का नाम दिया है और इन्होंने ये भी कहा है कि इनके इतने लंबे लाइफ के पीछे लोकल एरिया हनी यानी कि शहद और फ्रेश मिल्क का बहुत बड़ा योगदान है। बेसिकली ये खाद्य पदार्थ लोगों को लॉन्गेविटी प्रदान करता है। तो इससे पहले कि मैं आपको दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन के बारे में बताऊं, तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम दोनों आपस में वर्चुअली कनेक्ट रहें। नंबर 1 पर है बॉब बेटन। इनका जन्म 29 मार्च 1908 ईस्वी में हुआ था और ये अभी तक बिल्कुल स्वस्थ तरीके से जीवित हैं। मतलब कि इनकी करेंट एज मार्च 2020 के अनुसार 111 वर्ष और 348 दिन हुए हैं। वैसे बॉब बेटन का जन्म इंग्लैंड में स्थित किंगस्टन अपॉन हल शहर में हुआ था और ये अभी भी इंग्लैंड में ही स्थित होम्पशायर स्टेट के अल्टन शहर में रह रहे हैं, जो कि पेशे से एक टीचर हैं और इन्होंने वर्ल्ड वार सेकेंड के समय ब्रिटिश एरोप्लेन फैक्ट्री में वर्कर्स के रूप में काम भी किए थे। बॉब बेटन करेंटली दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन है। इनकी एज अब तक 112 वर्ष तक पहुंच चुका है। वैसे तो लोग इनसे भी बहुत लंबे समय तक जीवित थे, परंतु वो लोग अभी इस दुनिया में नहीं है। मैंने 10 ऐसे लोगों के बारे में बताया जो लंबे समय से अभी तक जीवित हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।